दुख की बात यह है कि पिछली बार भी प्रशासन के द्वारा टालम टोल रवैया अपनाया गया था। माननीय सांसद महोदय ने स्पष्ट निर्देश कमिश्नर को दिए थे कि अमृत के विषय में जांच कराई जाए, ये भारी भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है शहर में। नगर निगम कमिश्नर ने अपने स्तर पर जांच भी करा ली, जिन लोगों ने शिकायत की पिछली बैठक में मैंने और मेरे साथी विधायक सतीश शकरवार जी ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है, पर आज जब यहाँ बैठे तो पता लगा कि उसकी जांच भी हो गई है। ये केस किस प्रकार की जाँच है भाई, कि जो शिकायत कर रहा है शिकायतकर्ता को पता ही नहीं है कि जाँच कब हो गई, उसके कोई बयान नहीं, उससे कोई पूछा नहीं गया, जाँच करने वाले भी ये, फैसला सुनाने वाले भी ये, इस प्रकार का मजाक ग्वालियर शहर के साथ हो रहा है। आज बैठक में मैंने ग्वालियर के म्यूनसिपल कमिश्नर को बड़ा स्पष्ट कहा है कि ग्वालियर दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको जो आप डेटा देते हैं, जो उनको पढ़ने के लिए और जो उनको सारा सांख्यिकी विभाग से, अपने विभाग से और विभागों से जानकारी देते हैं, उसको मैनिपुलेटिव क्यों दे रहे हैं? एक घंटे में आपकी जानकारियाँ बदल जाती हैं, आप ही के द्वारा दिए गए दोनों कागज में भिन्नता है, तो क्या सांसद जी, हम सारे जो जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या इनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या कर रहा है वो हुआ है अमृत में, जो ये तय हुआ है कि उसको क्लोजर करें जल्दी, और फिर जो अमृत टू में जो काम रह गया उसके डीपीआर वगैरह बना, उस दृष्टि से पार्षदों से चर्चा करके और उसको क्लोजर किया जाए, ये इस बारे में बातचीत हुई। पीएचई में हैंडपम्प के बारे में लोगों ने चिंता जताई, ये कहा गया है कि उसका सर्वे करें और किसी मतलब वेरिफिकेशन कराएं उसका, अब तक ये रिपोर्ट बना के भेज देते थे कि इतने पम्प खराब है, अब कितने पम्प खराब है इसका वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कि उसमें पारदर्शिता भी आएगी और चुस्ती भी आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।